नमस्कार देखिए वन जीरो टू की आंसर की हम लोग कर चुके हैं वन ज़ीरो वन की आंसर की कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आंसर की आपका जो पेपर हुआ है कल यानी कि उन्नीस जनवरी दो हज़ार तेईस को जो आपका इंग्लिश वन ज़ीरो थ्री का पेपर हुआ है उसकी आंसर की पर बात करेंगे यानी कि उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे ताकि आप अपना एग्ज़ामिनेशन पेपर मिला सकें कि आपने कितना सही किया है वन ज़ीरो टू में लगभग कई स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने कमेंट में लिखा कि किसी का पाँच गलत है किसी का सात गलत है मतलब कि थर्टी थ्री थर्टी फाइव तक स्टूडेंट्स ने सही किया है और ये बहुत अच्छा स्कोर है थर्टी फाइव एक अच्छा स्कोर होता है फोट आउट ऑफ फोर्टी तो निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत बेहतर किया है वन ज़ीरो थ्री के लिए भी हम आंसर की देते हैं और इसको भी आप मैच करिएगा ऐप पर कोर्स ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है कल से दिखने लगेगा और अगर आपने अभी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ऐप को डाउनलोड करिएगा इंग्लिश योगी सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिलेगा डाउनलोड करिए उसमें सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स आपको दिखाई देगा और अभी हम उसमें प्लान में हैं कि जो सेमे सेमस्ट, सेकेंड सेमेस्टर के लिए बुक की ज़रूरत है ठीक है कोर्स में ही हम एक बुक भी आपको इंक्लूड कर लें जिस पर अभी काम चल रहा है हमें लगता है दो से तीन दिन में वो पब्लिकेशन में आ जाएगी ठीक है तो जैसे ही उसका हम पब्लिकेशन फाइनल कर देते हैं उसका कास्ट वगैरह फाइनल हो जाता है तो उसी फीस में जो आप फ़ी पे करेंगे उसी में हम उस बुक का भी कास्ट इंक्लूड कर लेंगे उससे क्या होगा कि आप उसको जैसे आप कोर्स परचेज करेंगे यहाँ से आपके लिए वो बुक भी डिस्पैच कर दी जाएगी आपको वो बुक भी मिल जाएगी ठीक है तो मिलते हैं और पहले आंसर की देखते हैं ये पेपर समझते हैं फिर आगे की बातें होंगी आइए देखिए क्वेश्चन वन पहला क्वेश्चन है हुम डू द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल दियर फादर इन ड्रीम चिल्ड्रन ठीक है तो इसका आंसर है बी डी होगा बर्ट्रम ठीक है पहले क्वेश्चन का आंसर डी बर्ट्रम ठीक क्वेश्चन नंबर टू फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड इलिया पोर्ट एलिस डब्ल्यू एन दैट इज एलिस विंटरटन इन ड्रीम चिल्ड्रन ठीक है कितने साल तक उन्होंने उसको कोर्ट किया यानी कि प्रपोज करते रहे ही कोटेड फॉर तो आपका जो आंसर होगा में वो सी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मैन हैव नॉट बीन टार्ग अबाउट इन ऑन नेशनल प्रेजिस ठीक है ओलिवर गोल्ड स्मिथ का जो एसे uh, है ऑन नेशनल प्रेज इसमें इन्होंने डच जर्मन स्पेनिश इन तीनों पर बात की है पर्सियन पर नहीं बात की है तो आपका आंसर तीसरे में डी होगा ठीक है आंसर डी क्वेश्चन नंबर ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट डज ओलिवर गोल्ड स्मिथ कार्ल हिमसेल्फ इन ऑन नेशनल ठीक है ऑन नेशनल प्लेडिस जो ऐसे है उसमें ओलिवर गोल्ड स्मिथ खुद को क्या कहता है? कॉल्स हिमसेल्फ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ठीक है क्या कहता है आपने आपको सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड आंसर होगा आपका डी ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव इन द एसे ऑन नेशनल प्रेज विच कंट्रीमैन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ पार्शल ऑफ एवर्सियस रिचेज बाय द वन जेंटलमैन ठीक है तो इसमें जो डच है डच के लिए ये आ, फ्रेज यूज किया गया पार्सल ऑफ अवर्सियस रच ठीक है तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा डच ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे विच आर फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस ये जो है आपकी लास्ट यूनिट से क्वेश्चन है ठीक है Uh, यहाँ से क्वेश्चन ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है ठीक है तो कीबोर्ड कैमरा वेब कैम पावर एडाप्टर ठीक है तो देखिएगा पावर एडाप्टर तो इसमें कोई डिवाइस नहीं है ठीक है ना इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड और कैमरा वेब कैम ये इनपुट डिवाइसेज है मॉनिटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है ठीक है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है सफारी भी सर्च इंजन है क्रोम भी सर्च इंजन है ओपरा भी सर्च इंजन है ठीक है डी है ऑप्शन क्विक हील क्विक हील एक एंटीवायरस है आपका आंसर डी होगा क्विक क्विक हील हील एक सर्च इंजन नहीं है क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स डज नॉट प्रोवाइड ई मेल सर्विसेस ठीक है इनमें से कौन से जो है चार में से जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करते याहू भी प्रोवाइड करता है जीमेल तो सब लोग यूज करते हैं आउटलुक बिजनेस पर्पज से यूज होता है ठीक तीन के तीनों ई सर्विस प्रोवाइड करते हैं बचा जो है डी दैट इज फेसबुक तो फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है वो ईमेल का कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता है ठीक आपका आंसर हो जाएगा एट में डी क्वेश्चन नंबर नाइन चार्ल्स लैम बिलोंग टू ठीक है चार्ल्स लैम रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे ठीक है दैट इज आपका आंसर हो जाएगा डी रोमांटिक पीरियड क्वेश्चन नंबर टेन विच स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज एडॉप्टेड बाई फ्रांसिस बेकन हमने एक बार नहीं दसियों बार आप लोगों को बताया है कि जो फ्रांसिस बेकन की राइटिंग स्टाइल है वो एफोरिस्टिक स्टाइल है आपका आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर सी एफोरिस्टिक स्टाइल दैट इज एडॉप्टड बाई बेकन क्वेश्चन नंबर अलेवन ह्यूमर एंड पैथास आर प्रोमिनंटली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेज ऑफ चार्ल स्लैम आंसर बी होगा क्वेश्चन अलेवन ठीक है अलेवन का आंसर बी चार्ल स्लैम जो ह्यूमर और पैथास है ये गलत लिखा हुआ है पैथ लिखा हुआ है पैथस होना चाहिए ठीक है ह्यूमर एंड पैथस जो है वो चार्ल स्लैम की एसेज uh, की करेक्टरिस्टिक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन द वर्ड ऑटोबायोग्राफी टो बायो एंड ग्राफी रेस्पेक्टिवली मीन्स मतलब इन तीनों जो पार्ट्स हैं ऑटो बायोग्राफी के उसका क्या मीनिंग है ऑटो मतलब सेल्फ बायो मीन्स लाइफ ग्राफी मीन्स राइटिंग ठीक है तो सेल्फ लाइफ राइटिंग दैट इज बी सेल्फ लाइफ राइटिंग ऑटो बायोग्राफी क्लियर आंसर आपका होगा बारह में बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन मेमायर इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेमोरिया ठीक है मेमायर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड मेमोरिया से डराइव किया गया है आपका आंसर होगा ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टोन टोन का मीनिंग क्या है टोन इज एक्चुअली एटीट्यूड किस एटीट्यूड के साथ बोला जा रहा है किस टोन में बोल रहा है राइटर दैट इज एटीट्यूड ठीक है आपका आंसर हो जाएगा फोर्टीन का ए फिफ्टीन में देखेंगे क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ मूड मूड का क्या मीनिंग है मूड इज अ टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड ऑफ फीलिंग ठीक है तो एक टेम्परे फीलिंग होती है माइंड की उसको मूड कहते हैं फिफ्टीन में आपका आंसर हो जाएगा ए सिक्सटीन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एंड ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स इज कार्ड डिक्शन ठीक है आपका आंसर हो जाएगा डी डिक्शन होता है किसी आथर की किसी राइटर की जो वर्ड की चॉइस है उसको डिक्शन कहते हैं सेवेंटीन देखेंगे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एंडिंग अ लेटर ठीक है लेटर को एंड करने का करेक्ट फॉर्म है योर फेथफुली ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है योर फेथफुली पर कोई भी लेटर uh, जो है वो एंड होता है योर फेथफुली करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर एटीन एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन इन ब्लैंक स्पेस लैंग्वेज देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज जो लेटर्स होते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं और फॉर्मल लेटर्स फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं क्लियर है तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर्मल लैंग्वेज ठीक है ऑफिशियल लेटर्स हमेशा फॉर्मल लेटर्स होते हैं और उन्हें फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इफ़ यू डू नॉट नो द रेसिपेंट्स नेम हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन ठीक है किसी भी लेटर में अगर आप किसी पर्सन का नाम नहीं जानते हैं तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे डियर सर आर डियर मैम ठीक है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा डियर सर आर डियर मैडम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉर्मल लेटर्स आर ठीक है तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं फॉर्मल लेटर्स दैट फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेलिटी एंड सेट ऑफ पैटर्न ठीक है आंसर बी हो जाएगा ट्वेंटी में क्वेश्चन ट्वेंटी में आपका आंसर हुआ बी नेक्स्ट बढ़ेंगे ट्वेंटी वन जॉब एप्लीकेशन लेटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर अबाउट योर एक्सपीरियंस अचीवमेंट स्किल तीनों होगा आपका आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू वाई डू वी सेंड ई मेल ई मेल क्यों सेंड करते हैं ई मेल सेंड करने का जो पर्पज होता है कोई डॉक्यूमेंट या फाइल वगैरह सेंड करने के लिए ई मेल का यूज किया जाता है बातचीत करने या मीटिंग के लिए अदर चीज़ों के लिए अन्य अन्य ऑप्शन अवेलेबल हैं तो ई का जो यूज़ है कोई डॉक्यूमेंट या फाइल शेयर करने के लिए किया जाता है दैट इज ट्वेंटी टू का आंसर होगा डी ठीक है आगे बढ़ेंगे ट्वेंटी थ्री इलिया वाज़ द पेन नेम ऑफ चार्ल्स लैम सभी को पता है ठीक है लैम का तो आपका आंसर हो जाएगा सी 24. ब्लैंक स्पेस इज टू क्रिएट अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन ये क्वेश्चन एज इट इज जो है हमने अपने आ, जो क्वेश्चंस कराए थे आपको उसमें रखे थे सबको पता होगा एम एस पावर पॉइंट ठीक है एम एस पावर पॉइंट में जो है कोई भी प्रेजेंटेशन बनाया जाता है आगे बढ़ेंगे इसी से रिलेटेड है पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अ प्रेजेंटेशन इज सेव्ड विद एन ऑन एक्सटेंशन ठीक है जो पी पी टी की फाइल होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पी पी टी ठीक है आपका ऑप्शन जो है वो बी है ठीक है जो एक प्रेजेंटेशन फाइल होती है जो सेव होती है डॉट पी पी टी नाम से या पी पी टी से सेव होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वर्जीनिया वुल्फ वॉज बॉर्न इन एटीन एटी टू एक्चुअली गलती से जब हमने क्वेश्चन आप कराया था उसमें हमने एटी टू के बजाय नाइनटीन थर्टी वन बता दिया था जो कि गलत था बाद में मैंने कमेंट में लिख करके आपको करेक्ट uh, भी कराया था बहुत सारे लोगों ने पूछा था भी था लेकिन uh, आप भी आंसर सही करके आए होंगे ये मुझे उम्मीद है ठीक है आप वर्जीनिया वुल्फ का जो आंसर है वो 1882 एटी टू दैट इज़ बॉर्न बर्थ ईयर जो है इनका 1882 है ठीक है क्वेश्चन नंबर 27 सेवन वाट वॉज द नेम ऑफ इलियाज़ ग्रैंड मदर इन ड्रीम चिल्ड्रन इलिया के ग्रैंड मदर का नाम क्या था फील्ड ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द स्टोरी ऑफ विच बैलड वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द वस ऑफ द मैंसन इन विच ईलियाज ग्रैंड मदर लिव्ड जिस घर में जिस मैंसन में इलिया की ग्रैंड मदर रहती थी उसमें कौन सी बैलड की स्टोरी जो है इंस्क्राइब थी ऑप्शन ए सही है चाइल्ड इन द वुड ठीक है चाइल्ड इन द वुड एक बैलड है जिसकी स्टोरी उस पर वहाँ पर इंस्क्राइब थी ठीक है आगे ट्वेंटी नाइन द ग्रैंड मदर ऑफ इलिया ड्रीम Children lived इन कहाँ रहती थी Narflock में ऑप्शन बी आपका सही है आगे बढ़ेंगे नंबर sub, का का क्या है? A, रेवारी. रेवारी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग ठीक है रेवारी दैट इज इसका सब टाइटल है आपका आंसर जो होगा सी हो जाएगा थर्टी का सी थर्टी वन में देखेंगे प्रोफेशन फॉर वेमेन वॉज फर्स्ट पब्लिस्ड इन तो किस कलेक्शन में हुआ था द डेथ ऑफ द मॉथ एंडर एसेज ऑप्शन नंबर सी ठीक है आपका थर्टी वन में सी आंसर हो जाएगा थर्टी टू में देखेंगे essay, तो डॉक्टर अमर सेन को इन्होंने लॉजिकली क्रिटिसाइज किया है अपने एसे में ठीक है आंसर हो जाएगा आपका डी क्लियर थर्टी थ्री दी आर टी आई एप्लीकेशन इज एड्रेस टू किस को आर टी आई एप्लीकेशन एड्रेस किया जाता है जनसूचना अधिकारी को एड्रेस किया जाता है आपका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अमर सेन वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज़ इन बहुत बार हमने बताया है कि इकोनॉमिक्स में इन्हें नोबल प्राइज मिला था अभी इंडिया में दो लोगों को इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज मिल चुका है पहले डॉक्टर अमर सेन हैं दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी जिनको अभी रिसेंटली शायद दो का नोबल प्राइज़ मिला था ठीक है तो याद रखिएगा अमर सेन इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिला था ठीक है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए ठीक 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स साइंस ठीक है आगे देखेंगे 35 फाइव द एशे पैट्रियाटिज़म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक किस बुक से लिया गया इग्नाइटेड माइंड से ये भी क्वेश्चन हमने कराया था डायरेक्टली ऑप्शन ए आपका सही है थर्टी फाइव में और नेक्स्ट है थर्टी सिक्स एक मिनट ठीक है हमने सोचा कि कुछ चीजें रिकॉर्डिंग में कट रही हैं चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है रेवारी मींस रेवारी का मतलब डे ड्रीम होता है आपका आंसर है सी ठीक थर्टी सिक्स में आंसर सी नंबर थर्टी सेवन चार्ल्स लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पर्सनल एसे ठीक है चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन जो है वो एक पर्सनल ए है थर्टी एट अकॉर्डिंग टू बेकन हिस्ट्रीज मे हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज ठीक है ये भी क्वेश्चन हमने बहुत डायरेक्टली कराया डायरेक्टली आया है अकॉर्डिंग टू बेकन हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज ठीक है ऑप्शन ए सही है थर्टी एट में थर्टी नाइन टू बेकन टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज ठीक है बेकन के लिए टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्ल्थ ठीक है ऑप्शन डी आपका सही है दैट इज स्लथ अकॉर्डिंग टू बेकन हु कंडेम्स स्टडीज क्राफ्टिंग इन कंडेम्स स्टडीज ऑप्शन ए सही है ठीक है ये थे 40 के 40 प्रश्नों के उत्तर उम्मीद करता हूँ कि आप मिला लिए होंगे और आपके मैक्सिमम uh, क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे बहुत अच्छा स्कोर आपका आएगा और इसी के साथ आपका सेमेस्टर भी ख़त्म होगा अभी कुछ लोगों के कुछ विषय के पेपर बचे हुए होंगे कुछ लोगों के सारे हो गए होंगे तो जिनका हो गया है गो हैड फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर और मुझे उम्मीद है कि फरवरी फ़र्स्ट वीक में आपका फ़र्स्ट वीक में तो आपका ख़त्म ही होगा एग्जामिनेशन दो फरवरी को एग्जामिनेशन ख़त्म हो रहा है हमें लगता है दो चार पाँच दिन का जो छुट्टी होगा बीच में सेमेस्टर ब्रेक उसके बाद आपकी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप लोग तैयार हो जाइए बहुत जल्दी ही सलेबस हम आपको बताएँगे यूट्यूब पर ही रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे और वैसे जो है ऐप पर मैं जैसे ही कोर्स को लाइव करता हूँ वो लाइव नहीं हुआ कोर्स मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ चीज़ें उसमें अपडेट कर रहा हूँ वहाँ पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा और आप लोग निश्चित रूप से अगले सेमेस्टर के लिए लग जाइए फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स तो आपको अच्छे ज़रूर मिल जाएंगे लेकिन पढ़ाई कम हुई है ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा ना हो आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो पढ़ाई अच्छी तरह से हो और आप पढ़ें भी बढ़िया और अंक भी अच्छे आएँ ताकि आगे के जीवन में आपकी सफलता के रास्ते बेहतरीन खुले आप अच्छा करें जीवन में इस कामनाओं के साथ नमस्कार जय हिंद मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ